कलेक्टर, जिसे शॉर्टकट में डीसी भी कहते हैं, यह प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। डिप्टी कलेक्टर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में होता है, इसलिए इस पोस्ट को उप डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहा जा सकता है और डिप्टी कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है और कलेक्टर को दिन प्रतिदिन उससे कार्य में सहायता भी प्रदान करता है। जिस तरह से जिला कलेक्टर जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाए रखने में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। जैसे ही सामाजिक सुरक्षा, भूमि के मामलों में और विभिन्न कार्यों को जिला कलेक्टर करता है, तो इन्हीं सब कार्यों में डिप्टी कलेक्टर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उन सब कार्यों को क्रियान्वित करता है। विभिन्न कार्यों को, राजस्व कार्यों का लेखा जोखा वह कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो आप कैसे बन सकते हैं एक डिप्टी कलेक्टर और आपकी क्या पावर्स हो सकती हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है तो वह सिर्फ किसी जिले का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं होता है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग विभिन्न विभागों में भी की जाती है। डिप्टी कलेक्टर को सरकार के तहत बहुत सारे विभाग में पदस्थ किया जाता है। डिप्टी कलेक्टर बनना ना तो आसान है और ना ही कठिन। अगर मेहनत और लगन है तो डिप्यूटी कलेक्टर बना जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए PSC एग्जाम दिलाकर डिप्टी कलेक्टर आप सभी बन सकते हैं। यह एग्जाम दिलाने के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को पूरा करके PSC का एग्जाम दिला सकते हैं और डिप्टी कलेक्टर भी आप बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपके पास क्वालिफिकेशंस की होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो PSC का एग्जाम दिलाने के लिए उम्मीदवार को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना किसी भी विषय पर बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं कोई भी विषय पर तो PSC के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उम्र भी इसमें देखी जाती है। उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डिप्टी कलेक्टर के लिए कौन से एग्जाम देने होते हैं तो उसमें, जैसा कि हमने ऊपर में जाना कि डिप्टी कलेक्टर के लिए कौन से एग्जाम देने होते हैं, जिसके लिए PSC या UPSC का एग्जाम देना होता है, जो कि 3 चरणों में होता है। पहला है प्री एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। प्री एग्जाम यह प्रारंभिक परीक्षा होती है, इस पर सामान्य ज्ञान आधारित सवाल आते हैं। मेंस एग्जाम यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में पास होने के बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है, जो कि एक विषय आधारित एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर अच्छा रैंक आता है तो परीक्षा में टॉप करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है, और अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको पोस्ट दी जाती है। अगर रैंक डिप्टी कलेक्टर के रेंज का है तो आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया जाता है और डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसकी परीक्षा के लिए सिलेबस की बात करूं तो परीक्षा का पेपर कुछ इस प्रकार होता है। जैसे प्रीलिम एग्जाम जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स के, 2 घंटे इसकी टाइमिंग होती है। साथ ही जनरल एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स 200 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 2 घंटे के समय दिया जाता है। वहीं मेंस परीक्षा की तरफ देखें तो पेपर जो 1 होता है वो 200 मार्क्स का, उसी के साथ जो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सभी पेपर 200-200 अंकों के होते हैं और सभी मिलाकर 3 घंटों के होते हैं। वहीं इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू 150 अंकों का होता है। उसी के साथ दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे राज्य सरकार के द्वारा VVIP प्रतिबंधित क्षेत्र में एक बंगले का हकदार होता है। जब कोई IAS अधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट बनता है तो एक बंगला मिलता है जहां पर उसका ट्रांसफर होगा। वहां पर भी इसके साथ साथ एक सरकार की गाड़ी भी आवागमन के लिए दी जाती है। IAS अधिकारियों को कम से कम एक और अधिकतम 3 वाहन आने जाने के लिए दिए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ड्राइवर भी दिया जाता है। सभी कारों के ऊपर अधिकारियों को ब्लू लाइट भी दी जाती है। इसके साथ साथ मेडिकल सुविधा, भत्ते और उन अधिकारियों की सुरक्षा भी सरकार द्वारा उन्हें प्रदान करवाई जाती है। 3 होमगार्ड, 2 अंगरक्षक भी दिए जाते हैं। साथ ही
अधिकारियों को किसी भी तरह का बिल नहीं देना पड़ता और मिसाल के तौर पर बिजली बिल, पानी बिल, इस तरह के बिल से पूरी तरह उन्हें छूट रहती है। उनको अन्य लाभ के तहत देखें तो इन्हें पीएफ, ग्रेचुएटी, हेल्थ केयर सेवाएं, आजीवन पेंशन और कई सेवानिवृत्त लाभ भी मिलते हैं। वहीं इनकी सैलरी की बात की जाए तो पीएससी परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा के एग्जाम के बाद कैंडिडेट को ग्रेड के हिसाब से उनका पद दिया जाता है, जैसे कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन ग्रेड, सुपर टाइम स्केल, एपेक्स स्केल, कैबिनेट सेक्रेटरी स्केल। इस तरह से ग्रेड के आधार पर उनका पोस्ट के नियुक्ति की जाती है और डिप्टी कलेक्टर जूनियर टाइम टी स्केल के अंतर्गत आता है तो इसको पे स्केल के रूप में 1,56,000 से लेकर 3,91,000 पे स्केल मिलता है और इसमें आईएएस अफसर का ग्रेड पे 54,000 होता है। इस प्रकार उसे वेतन सैलरी मिलती है। तो सामान्य रूप से देखें तो सातवें वेतन आयोग के अनुसार 55,000 से 1,50,000 तक इन्हें सैलरी मिलती है। डिप्टी कलेक्टर के कार्यों की बात की जाए तो डिप्टी कलेक्टर के बहुत सारे कार्य होते हैं। जब वह राज्य संहिता के तहत निगरानी का कार्य करता है तो राजा सुमन स्टेट कार्यकारी और विकास मामलों के कार्य करना, जिले से संबंधित समस्त राजस्व मामले का कार्य करना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेट कार्य करना, यह सभी उसके कार्य में शामिल होते हैं। वही दोस्तों रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भू अर्जन और लोक परिषद अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य, डिप्टी कलेक्टर की संख्या का निर्धारण जिले के हिसाब से किया जाता है। अगर जिला छोटा है तो उसमें 1, 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं जिला बड़ा है तो उसमें 5-6 डिप्टी कलेक्टर होते हैं, क्योंकि जिले तहसीलों में बटे रहते हैं, उसके हिसाब से अधिक डिप्टी कलेक्टर होते हैं। अब बात की जाए डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में अंतर की, तो दोस्तों एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इन्हें इनके कार्यों और पदों के हिसाब से इनका विभाजन किया जा सकता है। जैसे एसडीएम एक उच्च रैंक का सरकारी अधिकारी होता है, एसडीएम राज्य प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊपर का पद होता है। हर जिले में कई विकास खंड होते हैं जिस पर एसडीएम कार्य करता है। हर जिले को उसके आकार के आधार पर एक अधिक विकास खंड में बांटा जाता है जो एसडीएम के अधीन होता है। एसडीएम का नियंत्रण तहसीलदार के ऊपर होता है। तो वहीं बात की जाए एसडीएम का फुल फॉर्म उप प्रभागीय न्यायाधीश होता है। एसडीएम अपने एरिया के सभी भूमि से जुड़े कार्य करता है। इसके अलावा भी कोई और क्षेत्र एसडीएम के अधिकार में होते हैं, जैसे वाहनों का पंजीकरण, चुनाव का काम, राजस्व कार्य और कार्य होते हैं। डिप्टी कलेक्टर जो अक्सर शॉर्टकट में डीसी कहा जाते हैं, यह भारत में उप भाग के राजस्व संग्रह और प्रशासन के प्रभारी एक राज्य परिषद सेवा का अधिकारी होता है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की कार्यभारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी तथ्य किया जाता है। डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर के निर्देशन पर कार्य करता है। डिप्टी कलेक्टर आमतौर पर एक तहसीलदार जैसा ही होता है जो जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट में कार्य करता है। इन्हें अतिरिक्त जिला अधिकारी भी कहा जाता है। यह जिले के राजस्व विभाग के समग्र अधिकारी होते हैं। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। तो आप क्या बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन से विषय पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं उसे भी हमें बता सकते हैं। साथ ही प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ चुनिंदा पुस्तकें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।